नेचर फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लाई हूँ बहुत ही फेमस रेसिपी है मेरी। मैं जब भी अपने घर में बनाती हूँ या कोई भी मेरे घर में गेस्ट खाते हैं तो यकीन माने इतना पसंद करते हैं। और मेरी एक भाभी है, ठीक है, बुशरा, उसकी भी मोस्ट फेवरेट है। वो जब भी आती है तो कहती है कि भाभी आप ये ज़रूर बनाएं। और वो उसने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने चैनल पे रेसिपी ज़रूर शेयर करें। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए चिकन निहारी। बहुत ही सिंपल मेथड है और इतनी मज़ेदार बनती है और झटपट तैयार हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। अब निहारी बनाना हो गया है बिल्कुल आसान। मोहम्मदी निहारी और जो भी बड़ी बड़ी निहारियाँ हैं उन सबको ये कर देगी पीछे और सबको फ्लॉप कर देगी। और इतनी बेस्ट निहारी है कि आप लोग खाएंगे तो आप लोग खुद कहेंगे कि वाओ यार ये बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए गाइस मेरे साथ बनाते हैं मज़ेदार सी निहारी और बहुत ईजी तरीके से। तो चलिए मेरे साथ चलते देखते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स। जी फ्रेंड्स, तो देखें बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। आप लोग सोचोगे कि निहारी बन रही है और इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स, तो यही बात है। आज मैं बना रही हूँ पैकेट की निहारी और पैकेट की निहारी बहुत मज़े की बनती है। मैं आपको वैसे भी अपने मसालों की भी निहारी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन मैं झटपट और जल्दी बनाना है। घर में बहुत सारे काम है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पैकेट की बनाऊँ। तो मैंने इसके लिए लिया है अदरक लहसुन, ये देखें 3 टेबल स्पून भर के बड़े वाले। मैंने लिए चिकन, इसके लिए 1/2 kg से थोड़ी सी ऊपर है चिकन, ठीक है, 1 kg नहीं है, 1/2 kg से थोड़ी सी ऊपर है। और ये है शान का निहारी मसाला, ठीक है, ये आप लोगों ने ले लेना है और बहुत सिंपल मेथड है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा दिए हैं, अब मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। सही है, और आप लोग देखते रहें, फॉलो करते रहें और इन्जॉय करते रहें। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए मैंने एक पतीली ले लें, देगची ले लें, पैन ले लें, जो भी अवेलेबल है आप लोगों के पास, आप लोग बोलो वो ही यूज़ करें, ठीक है। ये मैंने ले लिया है। अब मैं सबसे पहले फ्लेम को ऑन कर देती हूँ। फ्लेम ऑन कर दिया है थोड़ी देर के लिए, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है थोड़ी देर के लिए, पतीली थोड़ी सी हीट आ जाए तो मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ओके जी फ्रेंड्स, तो पतीली थोड़ी सी हमारी हीट हो गई है, अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ऑयल, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूँ कि हमेशा निहारी में जो है ऑयल वो थोड़ा ज़्यादा डलता है, कम नहीं डालते हैं निहारी में, हमेशा थोड़ा ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं क्योंकि निहारी में ऑयल का ही सारा काम है, ठीक है। ये मैंने इसमें माने ही ऑयल ऐड कर दिया, थोड़ा ज़्यादा, तकरीबन समझे 2 कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया, ठीक है। ये ऐड कर देने के बाद अब मैं सबसे पहले इसमें जो है, ये देखते हैं आप लोग आराम से, शुगर थोड़ा सा मैंने लो कर लिया है, मैं एक स्पून ले लूँगी। अब फौरन ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे ऑयल के साथ। जी फ्रेंड्स, तो मैं चिकन को अच्छे से ऑयल में भून रही हूँ, ठीक है। मैं इसको भून रही हूँ, मैं इसलिए नीचों की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं कैमरा फिक्स किया हुआ है पतीली के ऊपर और मैं सही तरह फ्रेम नहीं बन पा रहा। मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ और खुद ही, यानी कि मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ और खुद ही पका रही हूँ, हम लोग देख रहे हैं, सारे काम मैं खुद कर रही हूँ। अच्छा जी गाइस, आप लोग चिकन 1 किलो भी ले सकते हैं, मैंने चिकन 1/2 किलो ली है, ठीक है। 1/2 kg से थोड़ा ज़्यादा आप 1 किलो भी ले सकते हैं, 2 किलो भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो मैंने चिकन को अच्छी तरीके से भून लिया है और चिकन का हो गया है कलर चेंज। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी, मुझे भी हंसी आ रही है, लेकिन क्या करूँ, फन है और बनना, खाना भी बनाना है। और ये सिर्फ मैं 2 पर्सन के लिए बना रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, क्योंकि मेरी और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है हमारी, ठीक है जी। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, ये देखें, इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन, ये जो मैंने पीसा हुआ था, ठीक है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दूँगी और बहुत अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। ये देखें, मैं थोड़ा करीब लेके जाती हूँ इस तरह, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई कर दूँ। जी फ्रेंड्स, तो अदरक लहसुन के साथ मैं कर रही हूँ इसकी बहुत अच्छे से भुनाई और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई और आप लोग देखते जाएं और फॉलो करते जाएं मेरे स्टेप्स को। जी फ्रेंड्स, तो मैंने ये पैकेट का मसाला जो है ये सारा इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। ये मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है, पैकेट का मसाला मैंने इसमें डाला है। मज़ेदार सी निहारी रेडी होगी, तो आप लोग खुद देखेंगे, वो शॉर्ट बना नहीं, सॉरी शॉर्ट नहीं बना, ये देखें आप, ये देखें इस तरीके से ये मैंने मसाला इसमें अच्छी तरीके से मैं भुनाई कर लूँगी मसाले की। आधा चम्मच नहीं चलाना, बस मसाला भुन जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल लूँगी ताकि वो तरी हमारी एंड में काम आएगी, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी।
जी फ्रेंड्स, तो ये देखें मसाला अच्छे से हमारा भुन गया है। अब मैं ये जो है ऑयल बिल्कुल आंच को स्लो कर दूंगी, इस तरीके से मैंने स्लो कर दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें इस तरीके से मैंने एक कप ले लिया है, ठीक है, ये खाली कप मैंने ले लिया है। अब जो इसका ऑयल है ये थोड़ा सा मैंने चूल्हा इसको बंद कर दिया है, ठीक है। ये लैग मैंने बाहर निकाल दी थी ताकि ये टूटे ना, इसे साइड कर देती हूँ, ग्लास भी साइड कर देती हूँ। सही है जी, अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये जो ऑयल है ये मैं इसमें निकालूंगी, थोड़ा सा ऑयल निकालूंगी ताकि वो तरी रह जाए। ओके, तो थोड़ा सा ऑयल मैंने, और ये जो स्विच है मैंने ऑफ कर दिया है, फ्लेम ऑफ कर दिया है ताकि मैं इसमें से थोड़ा सा ऑयल इसमें निकाल लूँगी और ये के तरी इसमें आ जाएगी, तो ये हमारे एंड में यूज़ होगी, ठीक है, नहारी में एंड में यूज़ होगी। ये देखें हमें आ गया है ऑयल, इसमें हमारे दिन इस तरीके से पकड़ के थोड़ा सा ऑयल निकाल। अब जो है मसाला जो है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी बहुत सारा, ठीक है। पहले मैं एक ग्लास पानी डाल देंगे और फ्लेम को अब हम ऑन कर देंगे। इस तरीके से मैं पानी ऐड करूँ, ये देखें दो गिलास, थोड़ा ऊपर तक हमने पानी ऐड करना है, दो तीन चार, ये देखा आपने, चार ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। जी फ्रेंड्स, तो मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या है आप लोग नोट कर लिए। ये देखें मैंने ये आटा लिया है एक कप, ठीक है, आटा लिया है। अब मैं इसकी लई बना लूंगी, इसमें पानी ऐड करूंगी और इसको मैं पतला सा लई बना लूंगी जो कि मुझे निहारी में ऐड करना है। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इससे हमारी निहारी जो है वो थिक होगी और हमारी निहारी थिकनेस आएगी निहारी के अंदर और हमारी निहारी रेडी हो जाएगी। झटपट कैसी आपको निहारी बनाई, झटपट कैसे आपको निहारी बनाना बताई, और आप लोग देखते रहे फॉलो करने में स्टेप्स को। जी ये देखें फ्रेंड्स, इस तरीके से ये लई बनी है, ठीक है, ये आटे की मैंने अच्छी तरह इसको पानी डाल के इसको इस तरीके से मैंने मिक्स 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 कर लिया है। अब मैं बस एक दो मिनट बाद इसे निहारी में ऐड करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें इस तरीके से हमारी जो है ये पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है नहारी के, और मसाला भी अच्छे से ऐड हो गया पानी के अंदर। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये जो लई बनाई थी मैंने, ठीक है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। हल्के हल्के करके हमें ऐड करना है और साथ में चम्मच चलाते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये देखिए थोड़ा सा डाला मैंने और इस तरह मैंने स्पून हिलाया, देखा ये भी मैंने थोड़ा सा डाला, फिर इसमें मैंने स्पून लाया ताकि हमारी जो निहारी है उसमें गुठलियाँ ना बने और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। फिर हमने थोड़ा सा डाला, फिर इसमें मैंने चम्मच चलाती रही इस तरह, ये देखें आप चम्मच चला रही हूँ मैं, उस तक मैं चम्मच चला रही हूँ, फिर मैंने थोड़ा सा ये डाला और फिर मैं चम्मच चला रही। ये देखें थोड़ी सी थिकनेस आ गई है नहारी में, ये देखिए इस तरीके से इसमें मैंने ऐड कर दिया है लई को आटे की, और ये देखें थिकनेस आ रही है। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, 5 मिनट बस हम इसे पकाएंगे और हमारी निहारी रेडी है। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें निहारी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, ये देखें आप इसमें इतनी थिकनेस भी आ गई है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखते जाइए। जी फ्रेंड्स, तो मैंने ले लिया है एक पैन, ठीक है, मैं अब इसमें करूँगी निहारी में भगार, और भगार वाली निहारी बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत मज़ेदार होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो सारी सीक्रेट रेसिपीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, मोहम्मदी निहारी है, जायद निहारी है, जो सब भगार करते हैं निहारी में, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक ट्रिक भी है भगार के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगी और साथ शेयर करूंगी, ठीक है। मैंने पैन रख दिया है, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेती हूँ पैन की तरफ, ठीक है। ये देखें आप, मैंने पैन रख दिया है, इसमें मैं करूँगी ऑयल ऐड, ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है क्योंकि हमारी निहारी में भी ऑलमोस्ट बहुत ऑयल था, थोड़ा सा ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें थोड़ा सा बस मैं इतना ताकि इसमें प्याज अच्छे से हमारी भगार हो जाए, ऑयल ऐड कर दिया है, ऑयल मैं रख देती हूँ साफ साफ, ठीक है जी। अब ये देखें आप, एक अदद मैंने दरमियानी चॉप प्याज सब चॉप ली है, थोड़ी थोड़ी बारीक सी मैंने इसे इस तरीके से मैंने इसे ये देखें बारीक चॉप कर लिया है। मैं थोड़ा सा नीचे होकर बोल रही हूँ क्योंकि कैमरा फिक्स हुआ है, तो ये देखें इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी प्याज, अब हम वेट करेंगे कि प्याज हमारी
जब तक ब्राउन होगी हमें इसे बिल्कुल भगार वाली प्याज बना के ब्राउन करना है, तो हम वेट करते हैं इसका। जी तो मैंने देखे इस तरीके से इसमें प्याज ऐड कर दी थी। अब मैं इसमें सिर्फ एक चुटकी या दो चुटकी, इतनी सी ये देखें, इतनी सी मैं इसमें अजवाइन ऐड करूंगी। अजवाइन का इतना ज़बरदस्त सा निहारी पर टेस्ट आता है, ये सीक्रेट है, आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये देखें मैंने इस तरीके से इसमें अजवाइन ऐड कर दी, ठीक है जी। और कैमरा सेट कर लेते हैं। हाँ जी, तो मैं अब आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ कि मैंने इसमें कर दी है अजवाइन ऐड, और अब ये हो रहा है भगार, और भगार से हमेशा थोड़ा सा दूर रहा करें क्योंकि जलने का खतरा होता है, हाथ भी जल सकता है, फेस तो बहुत ही दूर रखा करें। और ये भगार मैं करूँगी निहारी में ऐड, और उसके बाद ये एक सीक्रेट है बताऊँगी थोड़ी देर बाद। गरम गरम नान हो और ये मज़ेदार सी निहारी हो तो क्या बात है, शशके ही अलग होते हैं जी। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए प्याज हल्के से हल्की सी गोल्डन हो गई है इस टाइम पे है। एक सीक्रेट वो मैं आपको उससे शेयर करूंगी कि निहारी वालों का कलर इतना रेड रेड क्यों होता है और वो इतनी रेड रेड क्यों नजर आती है, हम लोगों की निहारी इतनी रेड क्यों, मतलब हमारी निहारी क्यों काली हो जाती है। तो ये सीक्रेट मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि रेड कलर वाली निहारी हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये देखें आप पेपरिका पाउडर, ठीक है, ये पेपरिका पाउडर हर जगह से आसानी से अवेलेबल है, आपको कहीं से भी इसको ले सकते हैं। और एक चम्मच मैं, जी फ्रेंड्स, तो इस टाइम पे मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया था और इसका कलर हो गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है जी फ्रेंड्स। तो ये भगार जो है अब मैं ऐड कर दूंगी निहारी के अंदर। कपड़ा कहाँ है, सॉरी ना, एक मिनट जी फ्रेंड्स। तो ये भगार मैं कर दूंगी निहारी के अंदर ऐड, इसको हम इधर रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। निहारी जो है वो हम छोटे पे लेते हैं, बिस्मिल्लाह हमारे रही, ठीक है जी। अब ये निहारी जो है ये देखिए आप, वाओ क्या कलर आया है मेरी निहारी का, ये देखिए आप कलर चेक कर सकते हैं कितना ही प्यारा कलर आया है निहारी का। अब मैं इसमें ये जो भगार है ये ऐड कर दूँ, ठीक है, इस तरीके से हमने सारा ऐड कर दिया। और थोड़ा सा मैं स्पून से इसको हिला लूँगी ताकि निहारी में आगे पीछे हो जाए, और मैं आपको करीब से इसका कलर चेक कराती हूँ कि कितना ही ज़बरदस्त निहारी का कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार लगे। जी तो ये देखें गाइस, मज़ेदार सी निहारी, और कलर भी चेक कर सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया है इसमें। और ये हो गई हमारी रेड निहारी रेडी, और आप लोग इंजॉय करें, अब मैं इसे सर्व करती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो मज़ेदार सी निहारी हमारी रेडी है। अब मैं कर लेती हूँ इसे डिश आउट, ये डिश है और मैं इसमें इसको डिश आउट कर लेती हूँ। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, और घर बैठे आप मज़ेदार निहारी रेडी करें और सबको शॉक कर दें। निहारी निकालते हुए, पाए निकालते हुए ना हमेशा थोड़ा सा बर्तन पे लग जाता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, ओके साफ कर दें। अब कोई इतना परफेक्ट नहीं होता कि सबके सालन सही से निकलें, और आगे पीछे तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है जी। ये हो गई हमारी निहारी डिश आउट। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए मज़ेदार सी निहारी रेडी हो गई है। आप लोग घर में ज़रूर इसे रेडी करें और इसी तरीके से बनाएं, इसी अंदाज से बनाएं, और सिंपल तरीके से झटपट बना के अपने घर वालों को शॉक कर दें, ताकि आपके घर वाले कहें वाओ यार क्या निहारी बनाई है। इसी तरीके से ये देखें इसका कलर चेक करें, कितना ही प्यारा खिला खिला सा इसका कलर आया है, और क्या प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और टेस्ट में ये ज़रूर अच्छी होगी। बुशरा, तो मैंने तुम्हारे लिए रेसिपी बना दी है, तो ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।